तो भाई आज का वीडियो होने वाला है कि आप कमांड ब्लॉक की मदद से एक्सपी कैसे ले सकते हो। अब आप बोलोगे यार इसके ऊपर पहले एक वीडियो आ चुका है। हाँ भाई रियली एक वीडियो पहले आ चुका है इसके ऊपर, लेकिन मैंने ना उसमें ओनली इम्पल्स है ना, जो इम्पल्स कमांड ब्लॉक जो टाइप है ना उसी के बारे में बताया था। मैं आज बात करने वाला हूँ रिपीट के बारे में, जो रिपीट है ना वो उस ऑप्शन का कैसे यूज़ होता है कमांड ब्लॉक में या फिर एक्सपी लेने में ना, तो ये सब आज के वीडियो में होने वाला है। वैसे आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, इतना बड़ा वीडियो होने वाला है नहीं, छोटा मोटा है आज का वीडियो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेगा आराम से ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, मैंने उसमें आप सभी को बता दिया था कि माइनक्राफ्ट में कमांड ब्लॉक की मदद से आप एक्सपी कैसे ले सकते हो। कोई दिक्कत आपको ज़्यादा है नहीं, आप आराम से ले सकते हो। उस वाले वीडियो को देख लीजिए, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल पर जाइए आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आप सभी को वो वाला वीडियो मिल जाएगा। डेफिनेटली वो वाला वीडियो वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा, कुछ आप सभी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आराम से आप इस वाले वीडियो देख सकते हो वहाँ से ना। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। और भाई देखो ना, इसके अलावा आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो आपको कमांड ब्लॉक कैसे लेना है ये वाला मैं आज के वीडियो में भी आप सभी को नहीं बताने वाला कि माइनक्राफ्ट में कमांड ब्लॉक कैसे लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भाई पहले हमने एक वीडियो बना दिया है, आप उसको ज़रूर देखिए, वाला वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओके तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो, कितनी बार शुरू करूँगा मैं, आप बेहद सोच रहे हो यार, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके लिए आपको ना कमांड ब्लॉक से अगर आप एक्सपी लेना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपके पास सर कमांड ब्लॉक होना चाहिए। अब कमांड ब्लॉक कैसा दिखता है, तो कमांड ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये रहा मेरे पास। तो तीन तरह के कमांड ब्लॉक होते हैं, वैसे आप एक ही तरह का होता है लेकिन उसको तीन तरह के बना सकते हो। देखो कमांड ब्लॉक को किस कैसे भी आप यहाँ पर रख सकते हो ऐसे ना, ऐसे ओनली आप क्रिएटिव मोड में कमांड ब्लॉक का यूज ले सकते हो, सर्वाइवल वर्ल्ड में कमांड ब्लॉक यूज नहीं होता है। ओके कमांड ब्लॉक ओनली क्रिएटिव मोड में यूज़ होता है, मतलब यूज़ तो सर्वाइवल में होता है, लेकिन आप उसको यूज़ लाइक बनाते हो क्रिएटिव मोड में। ओके यहाँ से ऐसे समझ सकते हो आप इस वाले चीज़ को। ओके तो आपको कमांड ब्लॉक कैसे ओपन करना ये सब मैंने पहले ही बता दिया, तो मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, उस वाले वीडियो को आप सभी देख सकते हो। ओके सही भाई ना, तो मैं आज बात करने वाला हूँ, देखो ब्लॉक टाइप है ना, तो ब्लॉक टाइप तीन तरह का होता है, इम्पल्स, चैन और रिपीट। तो मैं बात करने वाला हूँ रिपीट के बारे में, तो यहाँ से रिपीट को आप सबको सेलेक्ट कर लेना है। ओके सेलेक्ट कर लिया, तो रिपीट को जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो ये हो जाता है कुछ इस तरह का, पर्पल कलर का या फिर ब्लू, जो भी आप लाइट ब्लू पर्पल जो भी आप बोलना चाहते हो उसको बोल सकते हो ना, ये कुछ ऐसा हो जाता है। तो जैसे आप इसको कन्वे करता हूँ उसको चैन में, तो इसका रंग कुछ ऐसा होता है, यह लाइट ग्रीन। ओके ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसको, तो क्या बोलूँ ना, तो सही है हमारा काम यहाँ तो हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, आपको दो चीज़ें चाहिए कमांड ब्लॉक को एक्टिव करने के लिए। वैसे कमांड ब्लॉक को एक्टिव करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, तो ऐसे मैं समझ ये दो ही तरीके हैं, इसके अलावा वैसे भी काफ़ी सारे तरीके हैं कमांड ब्लॉक को एक्टिव करने के, लेकिन ये सबसे ईजी तरीके से मैं इनको बार बार यूज़ करता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्राउच होना है, जो बीच में बटन दिख रहा है ना इस पर क्लिक करके, और इससे आप लीवर लगा सकते हो, इससे आप लगा सकते हो बटन। ओके हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, सही है ना बात भाई। ओके अब देखते हैं बाकी की चीज़ें, सही है ना। अब आपको फिर से इसको ओपन करना है, और यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना होता है। तो देखो एक्सपी लेंगे लेने का कमांड होता है, आपको यहाँ से स्लैश लिखना है, सबसे पहले किसी भी कमांड को लेंगे स्लैश लिखना होता है, फिर आपको यहाँ एक्सपी टाइप करना है इस तरह से, तो स्लैश लगा के वो लिखना होता है जो हमें चाहिए, तो एक्सपी चाहिए, तो उसके बाद आपको स्पेस देना है, स्पेस यहाँ पर वो चीज़ लिखनी होती है ना जो आपको चाहिए, मतलब कितनी चाहिए, तो मेरे को 5 एक्सपी पॉइंट्स चाहिए, तो मैं उसे 5 लिखूँगा। अब बात आती है किसको चाहिए, तो मेरे को खुद को चाहिए, यानी मैं नियरेस्ट पर्सन हूँ, तो वहाँ से आपको ऐट द रेट लगा के पी लिखना होता है। ये कुछ ऐसा सिस्टम है एक्सपी लेने का। अब भाई यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, तो आप सभी देख सकते हो ना एक्सपी हमें किस चीज़ मिलेगा, तो एक्सपी हमें मिलेगा सर्वाइवल वर्ल्ड में, आप सबको पता है एक्सपी हमें मिलता है, तो यहाँ से मैं इसको ना सर्वाइवल कर लेता हूँ। ओके सर्वाइवल यहाँ से हो चुका है, हो गया सर्वाइवल। अब ट्राई करते हैं एक्सपी, देखो मेरे पास पहले से ही काफ़ी सारे एक्सपी है, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इससे क्या मतलब है ना, ओनली आप देख सकते हो मेरे पास 29 एक्सपी है, तो ये कितना बढ़ता है देखो जैसे करते हो। अब देखो इसका क्या मतलब है ना, रिपीट का ये मतलब है ना, आप है ना किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हो ना, जैसे इस वाले ब्लॉक पर आपने अभी क्लिक किया, जो कमांड ब्लॉक है ये इसके लगा हुआ है बटन लगा हुआ है लकड़ी का वुड कन, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बटन देखो इस अब तक ही बटन ऑन था, तो जब तक बटन ऑन था ना तो रिपीट होता रहा ये काम है ना, वो रिपीट होता रहा, देखो ये रिपीट होता रहा, देखो इस तरह से रिपीट, मतलब आप रिपीट के नाम से समझ सकते हो यार रिपीट वर्ड है ना क्या है,
इससे समझ सकते हो रिपीट होगी चीज़ें। तो इस तरह से आपका कमांड है ना जो एक्सपी है ना वो भी रिपीट हो रहा है। अब देखो आपको मेरे को समझाने की जरूरत है नहीं, इस लीवर को मैं ऑन करूँगा तो आप सभी समझ सकते हो क्या होगा। तो ये चालू रहेगा हमेशा के लिए। देखो मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, ये देखो भाई, अब देखो ये कमांड मिलते जा रहे हैं यार, कमांड इनफाइनाइट, ये कभी बंद नहीं होगा। ये देखो ये कमांड मिलता जा रहा है, ये कमांड मिलता जा रहा है, कमाल है ना यार। देखो अब मैं एक और चीज़ आप सभी को दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है। उस वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की थी थोड़ी बहुत, पूरी नहीं की थी। देखो यहाँ पर आना, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर लेवल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार मैं 100 लेवल बढ़ाता हूँ, यहाँ से कैपिटल L, उसके बाद @ लगा के आपको P लिखना है। देखो कुछ इस तरह से, अब देखो भाई अब आप खुद समझ सकते हो अब क्या होगा यार। तो अब होने वाला है कमाल, बहुत तगड़े वाला कमाल होने वाला है। तो मैं इसको करने वाला हूँ फिर से सर्वाइवल वर्ल्ड में। ये मैंने कर लिया अपने गेम मोड सर्वाइवल। अब देखो ओ सुपर फास्ट, देखो जैसे ये देखो भाई, अब आप देख सकते हो नीचे एक्सपीरियंस पॉइंट। देखो भाई क्या हो रहा है, ये बहुत तेज जा रहा है यार। इस तरह से इसका यूज़ आप ले सकते हो। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ यार, है ना। इसके अलावा देखो मैंने इसको हटाया था यहाँ से, ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ से इस वाले बटन को भी मैं हटा देता हूँ। चलो हटा दिया, अब मैं फिर से जाऊँगा सर्वाइवल नहीं क्रिएटिव में, है ना। अब इसको है ना मैं यहाँ से कर दूँगा रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव कर दूँगा, यहाँ से कर दिया ऑलवेज एक्टिव। अब देखो क्या होगा ना, अब मेरे को इस कमांड ब्लॉक को ना ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑन ही रहता है। उसके बाद आप ऐसे कर देते हो तो भाई ये कमाल की चीज़ हो जाती है हमारे सामने। देखो बहुत अलग चीज़ है ना, अब ये ऑन ही रहता है इस तरह से ना, ये काम आता है। तो फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को, बहुत तेज़ होता है ये, बहुत तेज़ होता है। यहाँ से ऑलवेज एक्टिव मैंने इसको कर दिया। अब देखो ये ऑन है, ओनली वर्क करेगा ओनली क्रिएटिव में, वर्क ओनली क्रिएटिव में करेगा। लेकिन देखो ये ऑन अभी, ये कमाल की चीज़ हो जाती है। चलो अब एक और मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। ओके तो भाई रुक जा भाई, अब मैं ले लेता हूँ थोड़े बहुत, एक मैं रेडस्टोन टॉर्च नहीं मैं लूँगा रेडस्टोन डस्ट, और मैं लूँगा एक प्रेशर प्लेट। ओके मैंने दो चीज़ें ले ली। अब मैं इसको जोड़ूंगा इस तरह से, देखो भाई यहाँ तक इसको मैं लेके जाऊँगा, यहाँ तक, यहाँ पे मैं लगूँगा। सॉरी यार यहाँ तो करंट पहुँच जाएगा क्या? चलो करंट पहुँच रहा है। इस तरह पे आप इसको यूज़ ले सकते हो। तो मैं ना एक बार आपको यहाँ पे जाकर दिखाता हूँ मैंने इसको क्या कर रखा है, नीड रेड स्टोन कर रखा है। तो इसको लिए आपको नीड रेड स्टोन इसको करना है। तो अब मैं कर लेता हूँ इसको सर्वाइवल में। अब देखूँ ना, कमांड ब्लॉक तो आपका दूर है, लेकिन आप अगर स्पेशल प्लेट पे भी जाओगे ना तो आपका काम होगा। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये मज़ेदार चीज़ है यार, बहुत अलग चीज़ है ये। इस तरह से आप कमांड ब्लॉक को यूज ले सकते हो, काफ़ी अलग अलग तरीके कमांड ब्लॉक को यूज लेंगे। ओके यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, अब बात करते हैं, रहने देते हैं फालतू चीज़ें ना। तो आज के वीडियो को हम यहीं तरह रखेंगे। अगर आज का वीडियो आप सबको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आज के वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना यार। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यार काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ मैं माइनक्राफ्ट के बारे में ना। तो भाई मैं उनको आपको माइनक्राफ्ट के या फिर किसी और गेम के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।